सो हेलो दोस्तों, स्वागत है को नए वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो आपको वो एक और स्पीकर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि गाइस जेबेल का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेबेल की ब्रांडिंग दे रखी है गाइस, और ये मिनी बूस्ट 4 है। गाइस मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बना रखा है स्पीकर के बारे में, जेबेल का मिनी स्पीकर। गाइस वो इससे भी छोटा था, मैंने ये बताया था 10 रुपये के सिक्के के बराबर गाइस वो स्पीकर था। अगर आपको वीडियो देखनी है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और गाइस ये उसी का अपग्रेड मॉडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनी बूस्ट 4 लिखा हुआ आ रहा है। अगर गाइस आपको ये सारे कोई भी प्रोडक्ट बाय करना तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ जाके उनको कॉन्टैक्ट करके आप ये सारे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ऐसा बॉक्स पैकिंग, मैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसके फंक्शन और फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको जो स्पीकर का बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस टाइप का दिखता है, जहाँ पे जो लिखा आ रहा है JBL मिनी बूस्ट 4 गाइस, आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट का कोई भी डिटेल आपको पढ़ना है तो गाइस वीडियो पॉज करके जो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि गाइस ये 4 हर्ट्ज तक का बैटरी बैकअप हमको दे देता है प्ले बैक। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, मिनी बूस्ट 4 लिखा हुआ आ रहा है, मेटल स्पीकर गाइस, इसकी जो बॉडी है मेटल की बनी हुई है यहाँ पे जैसा लिखा है। और गाइस अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप जो है पढ़ सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला क्योंकि गाइस वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अब दोस्तों मैं जल्दी से इसे ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमको अंदर जो प्रोडक्ट कैसा मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब गाइस जैसे ओपन करेंगे हमको कुछ इस टाइप बॉक्स पैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस इतना अच्छा नहीं है। देख सकते हैं आप जैसा किस टाइप का बॉक्स पैक हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको इसमें एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि माइक्रो यूएसबी है, आप देख सकते हैं, जिससे हम जो इस स्पीकर को चार्ज करने वाले हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये भी है वैसे केबल। और यहाँ पे हमें फाइनली हमारा स्पीकर मिलता है, जिसपे जो है JBL की ब्रांडिंग दिख सकती है गाइस। काफ़ी ग्रोसी टाइप का जो हमें ये स्पीकर देखने को मिल जाता है, अच्छा सा लग रहा है काफ़ी गाइस। ये रंग भी इसका जो है काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो दे रखा है सारा कुछ, यहाँ पे जो पावर बटन दे रखा है, ऊपर चार्जिंग केबल के लिए लगाने के लिए पोर्ट दे रखा है। तो यहाँ पर गाइस अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो हमको वो मिल जाएगा LED ब्लिंक करते हुए मिल जाएगी। तो मैं आपको इसका साउंड क्वालिटी वगैरह दिखाता हूँ आपको ये कैसा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पोर्ट चार्जिंग का जैसे मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे अगर इसको ओपन करना है तो यहाँ पे जो पावर बटन दे रखा था हमको उसको प्रेस करके रखना चाहिए, वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोन लिया है। अब मैं इसको आपको साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ गाइस, कितना अच्छा हमको जो साउंड क्वालिटी मिलता है। जो मैंने पहले स्पीकर बताया था गाइस उससे थोड़ा अच्छा स्पीकर वो साउंड क्वालिटी मिलने वाला, क्योंकि गाइस वो थोड़ा ज़्यादा स्मॉल था और ये उससे थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना ब्लूटूथ वगैरह जो ओपन करके इसको कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दोबारा से मैं कनेक्ट करके एक बार ही दिखा देता हूँ मिनी बूस्ट 4 के नाम से जो इसका नाम आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेयर हो रहा है, यहाँ पे मैं पेयर कर देता हूँ। जैसे पेयर हो जाएगा गाइस इसकी LED जो है ब्लिंक करना बंद हो जाएगी, तो ये पेयर हो जाएगा हमारा स्पीकर। तो अभी यहाँ देख सकते हैं LED ब्लिंक करना बंद हो चुका है यहाँ पे जो है। अब गाइस यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है। अब मैं आपको इसको म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ CNC वाला। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ और आपको म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ कि इस स्पीकर का हमको साउंड क्वालिटी कैसा मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है म्यूजिक प्ले कर दिया है। तो गाइस काफ़ी लाउड स्पीकर हमको मिलता है, देख सकते हैं इतना अच्छा साउंड क्वालिटी हमको मिल रहा है इसमें। आपको पता नहीं सुनाई दे रहा वो सही से कि आप अगर आप सुन रहे हो तो गाइस काफ़ी लाउड स्पीकर। यहाँ देख सकते हैं मैं माइक के सामने भी ला रहा हूँ, उसका साउंड क्वालिटी आप टेस्ट करिए कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से पोस्ट लेता, नहीं तो कान में भी कट रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं इसको पोस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देखा आपने इसका साउंड क्वालिटी कितना अमेजिंग हमको मिलता है। अगर गाइस आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों इसका अगर मैं आपको प्राइस बता दूँ गाइस, ये 500 रुपीज़ के अंदर आ जाता है ये स्पीकर। तो गाइस उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो चलाते रहते हैं। और गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है JBL स्पीकर के बारे में, आप अगर आपको वो देखना तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं।